अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सारी उम्मीद करती हूँ अपने घर में सब खुशबाश भी होंगे और सेहतमंद भी। ये देखें, आज आपके लिए मैं बहुत ही प्यारा एक ओपन वर्क का डिज़ाइन और पैटर्न लेके आई हूँ। इतना खूबसूरत है, ये देखें प्रीटी कितना है, और इतना आसानी से बन जाता है। ये 10 रोज़ में बन जाता है, और ये 9+9+9+ और +2 जो है वो स्टिचेस सिमेट्री के लिए हैं, और 2 जो हैं वो एच स्टिचेस हैं। ठीक है, तो सामने से ऐसा दिखता है और बैक साइड से ये ऐसा दिखता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इतना खूबसूरत है ये, आप लेडीज़ कार्डिगन पे बनाएं इसको, आप शॉल्स लेडी शॉल्स में बनाएं, स्काफ्स में बनाएं, बहुत ही प्रिटी है ये। इवन आप बेबी गर्ल के बेबी ड्रेस में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए मैंने 22 स्टिचेस जो हैं वो कास्ट ऑन किए हैं। तो इसको पहला स्लिप करेंगे और धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे, सेवन सीधे बनाने हैं, नेट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धागा अपनी तरफ 2 उल्टे, धागा पीछे 7 सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धागा अपनी तरफ 2 उल्टे। आखिरी एच स्टिच भी आप उल्टा ही बुन लें। अब पलट जाएं, ये हमारी फर्स्ट रो थी, अब हमारी सेकंड रो है और हम रॉन्ग साइड पर हैं। अब आपने जो जैसा दिखता है वैसे आप बनाना है। आपने पहला हम स्लिप करेंगे, उसके बाद 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करके आपने ये 7 उल्टे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 धागा पीछे 2 सीधे, 1, 2 धागा अपनी तरफ 7 जो हैं वो उल्टे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धागा पीछे 2 सीधे और आखिरी स्टिच जो है वो आप उल्टा बना लें। ये हम सेकंड रो थी हमारी। अब हमारी थर्ड रो और जो फोर्थ रो है ना, वो फर्स्ट और सेकंड की तरह बनाने हैं हमने। ठीक है, यानी हमने 2 उल्टे और 7 सीधे बनाने यहाँ से फ्रंट साइड से, राइट साइड से, और 2 उल्टे और फिर 7 सीधे, और जब आप रॉन्ग साइड पे जाएंगे तो उनके ऑपोजिट करना है आपने। ये 2 जो रोज़ जो है ना, मैं आपको बना के दिखाती हूँ ऑफ द कैमरा। अच्छा देखें फ्रेंड्स, ये मैंने 4 रोज़ इन टोटल बना लिए। मैंने 2 जो हैं वो आपके सामने बनाई और 2 ऑफ द कैमरा बनाई। अच्छा, अब हमारी 5th रो है, इसको देखें कैसे बनाना है। स्लिप करें पहला, धागा पे तरफ करके 2 उल्टे बनाएं। अब आपने यान ओवर करना है, इस तरह करना है आपने अंदर की तरफ ऐसे। ठीक है, और आपने इन 2 फंदों को उल्टा बनाना है। अब आगे ये 3 फंदे जो हैं इनको आपने 3 का 1 करना है ऐसे। ठीक है,
फिर उसके बाद आपने ये दो उल्टे बनाने हैं। फिर आपने यार्न ओवर करना है अंदर की तरफ ऐसे, और इन दो को उल्टा बना लेना है, यार्न ओवर, दो उल्टे, ये तीन जो फंदे हैं इनका तीन का एक करना है। दो उल्टे, यार्न ओवर और दो उल्टे, और आखिरी एच स्टिच भी उल्टा। अब हमारी सिक्स्थ रो है, पहला स्लिप, दो सीधे। अब आपने सात उल्टे बनाने हैं जिनमें यार्न ओवर भी शामिल हैं। वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स और ये सेवन। धागा पीछे, दो सीधे, धागा अपनी तरफ, सात उल्टे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। धागा पीछे, दो सीधे और आखिरी स्टिच जो है वो उल्टा बना लें। ये हमारी सिक्स रो थी। अच्छा, ये हमारी सेवन्थ रो है। पहला स्लिप, धागा अपनी तरफ, दो उल्टे। अब धागा पीछे करें, इस फंदे को आपने सीधा बनाना है। ये देखें, ये जो यार्न वो हमने यहाँ से उल्टा बनाया था, इसको आप यहाँ से सीधा बनाना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद यार्न ओवर, एक उल्टा। अब ये जो तीन फंदे हैं इनको आपने तीन का एक करना है, एक उल्टा, और ये धागा आपकी तरफ है, इसको यहाँ ही रहने दें और इसको सीधा बना लें, तो यहाँ पे जाली पड़ जाएगी। अब आपने धागा अपनी तरफ करके दो उल्टे, अच्छा ये जो है इसको आपने सीधा बनाना है। एक फंदा आपने सीधा बनाना है, ये बना लिया, यार्न ओवर, और एक फंदा उल्टा। ये तीन जो फंदे इनको तीन का एक करना है, एक उल्टा। धागा आपकी तरफ ही है, इसको आपने सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली डल जाएगी ऐसे। अब धागा अपनी तरफ करके दो उल्टे, और जो स्टिच है उसको उल्टा बना लें। ये हमारी सेवन्थ रो थी। अब हमारी एट्थ रो है। अब जो जैसा नज़र आ रहा है वैसे बनाएंगे, इसको स्लिप करेंगे, दो सीधे बनाएंगे, सात उल्टे बनाएंगे। ये देखें, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, दो उल्टे। फिर सात सीधे, एक, सात उल्टे,
दो सीधे बनाने के बाद सात उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, दो सीधे और आखिरी स्टिच उल्टा। ये हमारी एट्थ थी रो। ये देखें कुछ डिज़ाइन नज़र आ गया है बनता हुआ, ये देखें। अच्छा, अब हमारी नाइन्थ रो है। अच्छा, ये हमारी अब नाइन्थ रो है। देखें इसको कैसे बनाना है। स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ करके दो उल्टे, धागा पीछे, दो सीधे बनाएंगे, एक और दो। अब अपनी यान ओवर करना है ऐसे अंदर की तरफ, और ये जो तीन है फंदे इनको तीन का एक करना है। ठीक है, ये देखें ऐसे। तीन का एक कर लिया। अब आपने दोबारा यान ओवर करना है ऐसे, बल्कि धागा आपका इधर ही है तो आपने ये दो सीधे बना लेने हैं, तो यहाँ जाली पड़ जाएगी। धागा अपनी तरफ करके दो उल्टे, एक दो, धागा पीछे, दो सीधे, डबल यान ओवर ऐसे, और तीन का एक करें ऐसे। फिर आपने धागा आपकी तरफ ही है तो इनको दोनों को सीधा बना लें, यहाँ जाली डल जाएगी। धागा अपनी तरफ करके और दो उल्टे, और एड स्टिच भी उल्टा। अब पलट जाएं। ये हमारी टेंथ रो है, वो नॉर्मल जैसे हम उल्टी रोज़ बनाते आए हैं वैसी बनानी है। एक स्लिप करके दो सीधे, सात उल्टे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, दो सीधे, धागा अपनी तरफ, सात उल्टे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स और सेवन, दो सीधे और आखिरी एच स्टिच उल्टा। ये देखें हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है, कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। और ये देखें फटाफट बन गया है, बिल्कुल देरी नहीं हुई इसमें। तो इसको अब हम जब रिपीट करेंगे दोबारा रो वन से दोबारा स्टार्ट लेंगे। जैसा रो वन में हमने चार वो सिलाइयाँ की थी, हमने ये सिंपल सी यानी दो उल्टे और सामने सीधे और उल्टी तरफ से वो चार सिलाइयाँ करने के बाद फिर डिज़ाइन शुरू होता है फिफ्थ से। तो इस तरह बनाते चले जाएँ। सो ईज़ी एंड सो प्रिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन और पैटर्न के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे दुआ में शामिल रखिए। अल्लाह हाफिज़।